नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ। स्वदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गुड मॉर्निंग स्वदेश लेकर अभिषेक सत्यव्रतम। खबरों वाले शेयरों की पूरी डिटेल इस शो में आपको देंगे और अगले आधे घंटे में तमाम ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है ये भी आपको बताएंगे। ग्लोबल मार्केट का पूरा चेक, एक से बढ़कर एक ट्रेडिंग कॉल्स, खबरें, कमोडिटीज के अपडेट सब कुछ होगा गुड मॉर्निंग स्वदेश में। पिछले हफ्ते निफ्टी में करीब करीब 2% के आसपास की कमजोरी रही और 22,000 के स्तर के आसपास निफ्टी ने कोशिश की है टिकने की। इस हफ्ते की चाल क्या होगी, संकेत कैसे मिल रहे हैं, इन सब चीजों पर नजर डालेंगे और आपके लिए बिल्कुल एक पक्की रणनीति हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के हाल से। तो पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो डाओ में, नेस्डेक में, S&P में कमजोरी हमने देखी। डाओ में और S&P में कमजोरी थोड़ी कम थी, हल्की सी कमजोरी थी, लेकिन अगर हम नेस्डेक की बात करें जो कि टेक हैवी होता है, वहां पर टेक शेयरों का वेटी ज्यादा है, वहां पर हमने करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट देखी है। लेकिन अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को डाओ जोन्स में 190 अंकों के आसपास की गिरावट हमने देखी है और नेस्डेक करीब 1% की कमजोरी के साथ 16,000 के नीचे बंद हुआ है। नेस्डेक की कमजोरी की वजह यह रही कि एडोबी की जिस तरह से कमजोर गाइडेंस आए थे, शेयर अगले दिन टूटा, हमने देखा था करीब करीब 14% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। और शुक्रवार के सत्र में अमेरिकी बाजारों में अमेरिकी एक्सचेंजेस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। अगर हम आंकड़ों की बात कर लें तो US फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन अनुमान से ज्यादा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आए थे, 76.5 की रीडिंग आई है और अनुमान जो था वो था 76.9 का, तो अनुमान से थोड़े से कम आए हैं। कल से US फेड की बैठक शुरू होगी, 2 दिनों की बैठक चलेगी, यानी कि मंगलवार को बैठक शुरू होगी, बुधवार की देर रात तक ब्याज दरों पर फैसला आएगा। हालांकि दरों को लेकर किसी बदलाव की हमें आसार नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी जरूरी ये होगा कि फेड की दरों में कटौती कब होगी, इसको लेकर कमेंट्री में क्या कुछ निकल के आता है, ये बड़ा क्रूशियल होगा, ये देखने वाली बात होगी। और महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर किस तरह से आउटलुक फेड शेयर करता है, इस पर भी नजर रहेगी। हालांकि हाल फिलहाल जो भी इन्फ्लेशन के आंकड़े आए अमेरिकी बाजारों में, उन्होंने थोड़ा सा मूड खराब करने का जरूर काम किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अनुमान से ज्यादा आया है, महंगाई वहां पर अनुमान से ज्यादा है। इसके चलते अब दरों में जो कटौती की जो उम्मीदें हैं, जो कयास लगाए जा रही थी, उनको धक्का जरूर लगा है। और ये चीज देखने वाली चीज होगी कि कमेंट्री क्या आती है US फेड की तरफ से। एशियाई बाजारों से बात करें तो जापान का निकेई 2% दौड़ा है, वहां पर सेंट्रल बैंक के फैसले का इंतजार है। बाकी कोरिया, हांगकांग, चीन, ये सारे के सारे बाजार आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $85 के आसपास ही है, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। ओपेक और IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो कि एक फ्रांस की एजेंसी है, पेरिस बेस्ड है, इनका ये कहना है कि इस पूरे साल में सप्लाई थोड़ी सी तंग रहेगी। और सप्लाई थोड़ी सी तंग इस वजह से भी है क्योंकि हाल फिलहाल रशिया की 2 रिफाइनरीज पर यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन हमले हुए थे, उससे कुछ ना कुछ सप्लाई जरूर प्रभावित हुई है। और क्रूड जो कि $82-83 की इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा था, अब थोड़ी सी उसमें हमने उबाल देखी है और $85 के ऊपर जाकर ब्रेंट क्रूड कारोबार कर रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट का हाल होगा। FIs DIIs के आंकड़े जरा आपको बता देते हैं। कैश मार्केट में करीब करीब 850 करोड़ रुपए की FIs ने बाइंग की है। DIIs की बात करें तो 682 करोड़ की सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर में 633 करोड़ की FIs की सेलिंग है। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब करीब 4,500 करोड़ रुपए की सेलिंग है। FIs के स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1920 करोड़ रुपए की सेलिंग है। वहीं स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो वहां पर 1,125 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। अब जरा इन आंकड़ों के आधार पर बाजार में आपकी आज रणनीति क्या बन रही, ये समझ लेते हैं। निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। डिम्पी बताइए, 22,000 को निफ्टी ने शुक्रवार को प्रोटेक्ट किया, हालांकि 125 अंकों के आसपास की हमने गिरावट देखी, लेकिन पूरे हफ्ते की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास के कट हमने निफ्टी पर देखे। आज के लिए डिम्पी संकेत क्या मिल रहे हैं और आज की रेंज क्या होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे आज के? गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभी आप 2% की जो कट की बात बोली, अगर आप पिछले 2-4 महीने का डाटा चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का टोटल रिटर्न आ रहा था वो करीब 1.5 से 2% आ रहा था, वो भी मंथ का। तो मंथली रिटर्न या मंथली फॉल को इसने एक वीक में किया। पहला तो ये प्रॉब्लम थी कि सीवियर डेंट था लास्ट वीक और पुल बैक के ज्यादा चांसेस नहीं मिले हमको।
दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये थी कि हमने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही है, ऐसा नहीं है कि हमने सपोर्ट या बाय जोन्स को खत्म कर दिया। अभी भी जैसे कि 22,000 का जोन है, आपने खुद ही भी नोटिस करा कि 22,000 के जस्ट ऊपर बंद हुए, सेम बैंक निफ्टी है वो 40,500 के आसपास जाके बंद हुआ है। तो कुल मिला के है कि मार्केट के सपोर्ट अभी भी है, बाय जोन अभी भी है, बट एक जो एक ट्रिगर चाहिए होता है वो मार्केट के पास ट्रिगर नहीं है, इसलिए चर्निंग के पार्ट में धीरे धीरे करके थोड़ा पैसा बाहर निकला है और ये पैसा मार्केट के अंदर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी अच्छी खासी करेक्शन अब आ चुकी है, जो फ्रॉड थी मोटा मोटी वो हट चुकी है। डेरिवेटिव्स का डाटा निफ्टी के अंदर ये कहता है कि जो अनवाइंडिंग का प्रेशर है वो ज्यादा सीवियर नहीं है, अभी भी आप 22,000-21,800 के सपोर्ट को बचा के रखेंगे और शायद ये बच जाए तो फिर आपको हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, जो शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत ही वी शेप रिकवरी नहीं होगी, वो थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा धीरे धीरे करके आएगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि अभी किसी भी तरफ से कोई मेजर फ्यूल नहीं मिल रहा है मार्केट को। पुट कॉल रेशियो डाटा ठीक है, करीब करीब 1 के आसपास है। मैं निफ्टी को यहाँ पे फेयर वैल्यू मानता हूँ, निफ्टी अंडर वैल्यू नहीं है। कोई आपने ये कहे निफ्टी तो टूट चुका है तो मैं बोलूंगा निफ्टी बिल्कुल नहीं टूट चुका है, निफ्टी पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जितनी उसकी वैल्यू आज की डेट में होनी चाहिए उतनी ही उसकी वैल्यू है, यानी कि 22,000 के आसपास की। एक और पॉइंट, अभी आपको करना क्या चाहिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस है तो आप अपनी होल्ड करो, कोई एवरेज मत करो। मैं 4 दिन से यही आपको बता रहा हूँ कि एवरेज मत करो, ना ही अभी शॉर्ट्स को खोलो, जो पोजीशंस ले रखी है उसी को सिर्फ होल्ड करो। ये मार्केट सिर्फ शेक कर रहा है, शेक करके आपको सिस्टम से बाहर करेगा वीकेंड्स को, इसलिए वीकेंड्स ना बनो, स्ट्रॉन्ग हैंड्स बनो मार्केट के, और थोड़ा सा भी होल्ड करो, मार्केट आपको रिटर्न जरूर देगा बट थोड़ा तपस्या करवाने के बाद। आते हैं बैंक निफ्टी के डाटा पे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप टिपिकली चेक करेंगे तो माइल्ड अनवाइंडिंग है, ये मैंने वर्ड इसलिए माइल्ड अनवाइंडिंग का पुट कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि उसका ओपन इंटरेस्ट 1% भी नहीं है। इसका मतलब जो कल शॉर्टिंग हो रही थी वो इतने हल्के हाथ से हो रही थी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बार बार आपके 40,500 के लेवल प्रोटेक्ट होने से बच गए। अब आपको क्या करना है कि 40,000, 40,300, 500 ये सारे के सारे सपोर्ट एरियाज हैं, यानी कि 500, 300, 40,000। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होते अपनी किसी भी लॉन्ग पोजीशंस वीक जो मंथली एक्सपायरी की है वहां से बाहर मत निकलो। तो 40,000 तक वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी आपको होल्ड करके रखनी है। दूसरा पॉइंट है एवरेज नहीं करना, पुल बैक के सौदे भी जल्दी जल्दी लेने, पहले बाजार को टिकने देना फिर उसके बाद ही काम करना है। ऑप्शन ट्रेडर्स अगर आप इंट्राडे में काम करना जानते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो BTS की STPT ना कीजिए। और दूसरा कोशिश कीजिए हेज करके कीजिए क्योंकि नेकेड प्ले में आप और एक और चीज पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का काफी डाउन है अभिषेक, अगर कभी भी पुल बैक अभी आया या पुल बैक के आपको साइन दिखे या बेस बनने के बाद बाजार के चलने के साइन दिखे तो इस बार बैंक निफ्टी आपको पहली बार नोटिस करवाएगा। तो इसलिए वॉच करना है बैंक निफ्टी को ज्यादा, एवरेज में नहीं करनी, जो पोजिशन होल्ड है जस्ट होल्ड रखनी। ठीक है, निफ्टी बैंक को ज़्यादा वॉच करना है लेकिन साथ साथ आप गिफ्ट निफ्टी को भी वॉच करते रहिए, वहाँ पर करीब करीब 75 अंकों के आसपास की कमजोरी है। 22,059 के आंकड़े हम गिफ्ट निफ्टी पर देख रहे हैं। शुक्रिया डिम्पी इस अपडेट के लिए और स्ट्रेटजी बताने के लिए निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। लेकिन बाजार पर जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं तनिषा अकेडमी के नितलेश पावस्कर। नितलेश बताइए, आज निफ्टी में निफ्टी बैंक में आपके हिसाब से क्या ट्रेड करना चाहिए और शोरूम बताइए कहां पर आज मौके बन रहे हैं? ठीक है, नितलेश से संपर्क टूट गया है, नितलेश से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां से कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि चीन के बाजार, कोरिया के बाजार, हांगकांग के बाजार, वहां पर थोड़ी थोड़ी सी आपको मजबूती जरूर दिखेगी, लेकिन अगर हम पूरे ग्लोबल बाजारों की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई उत्साहजनक संकेत नहीं है। क्रूड भी आपके पक्ष में नहीं है, क्रूड भी $85 के आसपास है। नितलेश को थोड़ी देर में हम जोड़ेंगे लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन होगा, बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स होंगे, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए क्या है आज के स्टॉक्स इन न्यूज़? अभिषेक, ऑफकोर्स ऑर्डर्स पे तो ऑफकोर्स फोकस रहने वाला है लेकिन कुछ कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गुजरात गैस, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो अब जो है बढ़ने वाली है उनके प्रोडक्ट्स को लेके, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम्स है मोरबी रीजन में वहाँ पर भी पिकअप आए, तो एक टाइप से पॉजिटिव कमेंट्री कह सकते हैं डिमांड को लेकर।
इसके अलावा आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में प्रेशर आ सकता है, जैसे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस। अब यहाँ पे रॉयटर्स की खबर है कि आरबीआई जो है स्क्रूटनी बढ़ा सकती है रिटेल लेंडिंग को लेके, स्पेशली जो टॉप अप होम लोन्स होती है उसको लेके। तो एक टाइप से एक इम्पैक्ट जो है यहाँ पे देखने मिल सकता है, और हमने पहले ही देखा था पिछले 3 से 4 हफ्ते में गोल्ड लोन्स को लेके हुआ है, लिक्विडिटी को लेके हुआ है। तो आरबीआई का जो मूड है वो थोड़ा कॉशियस स्टांस पे है। कोफोज ने भी जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आई है, बोर्ड अप्रूव किया है 3200 करोड़ रेज करने के लिए क्यूआईपी इशू के जरिए। अब इसका दो कारण होगा इसका रेज का, एक तो ऑफकोर्स डेट रिडक्शन का रहेगा, और दूसरा जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन है उस पर भी वो फोकस करेंगे, और ऑलरेडी 2 बड़े एक्विजिशन जो उन्होंने पिछले 3 साल में किए हैं। ABFRL को NOC मिला है एक्सचेंजेस से, NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहाँ पर वो जो TCNS क्लोदिंग की जो एक्विजिशन है उसको जो एक टाइप से अप्रूवल आ गया है। विनती ऑर्गेनिक्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है आपके पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल के ऊपर। कंपनी के लिए ये जो प्रोडक्ट हमने बताई है ये एक टाइप से मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, तो एक टाइप से कंपनी को पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट देखने मिलेगा। HAL को लगभग 1900 करोड़ का ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, वही इरिकॉन को 631 करोड़ का EPC मॉडल का प्रोजेक्ट ऑर्डर विन आया है। रेलटेल के भी 2 ऑर्डर्स आए हैं जिसका कुल वैल्यू लगभग 480 करोड़ रुपये का आता है, और इन ऑर्डर्स के न्यूज़ फ्लोज के बाद सूला विनियर्ड्स भी फोकस में रहेगा। इनके जो 116 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस था अब जो है उसे सेट असाइड कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया है। तो डिमांड नोटिस अगर खारिज हो गया तो एक टाइप से पॉजिटिव होता है एक वाइन कंपनी के लिए, स्पेशली उनको ड्यूटीज़ को लेके। तो ये एक पॉजिटिव जो है न्यूज़ फ्लो सूला विनियर्ड्स के लिए है। आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, और कंपनी ने जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दिए कि एक नई एक्सप्लोजिव यूनिट जो है वो बनाने वाले हैं, और लगभग 860 करोड़ का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। हम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उसमें से जो ऑर्डर वाले जो शेयर हैं उस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन तनिषा एकेडमी के नितेश पावस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार पर रणनीति शेयर करने के लिए। नितेश गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी निफ्टी बैंक में आज क्या करें और शेयरों में कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं? देखो अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो नंबर है 21,900 से लेके 22,000, इस नंबर को बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग 3 दिन का लो भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर उसी रेंज में चल रहा है, और आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो रहा है, मतलब 22,000 के नीचे ट्रेड करेगा। तो 22,000 के नीचे ट्रेड करके मार्केट ने अगर 21,900 ये लेवल के नीचे कंटिन्यूसली आवरली बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम और डाउनसाइड का खुल सकता है। 21,700-650 ये लेवल्स भी 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में 47,200 जब तक पार नहीं होता है तब तक लॉन्ग्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एक बार अगर बैंक निफ्टी 47,400 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है ऊपर की साइड में। तो बैंक निफ्टी में 47,400 के ऊपर लॉन्ग करके चले, 47,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन आज के दिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 46,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा 46,200 से लेके 46,000 के टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो अडानी पोर्ट में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला था वो बाउंस बैक में हम लोग क्या करके चल सकते हैं, सेल करके चल सकते हैं 1280 से लेके 1285, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है आवरली बेसिस के ऊपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, तो वहां पे बिकवाली करके 1310 रुपए का हम लोग सिक्ली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1250 ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। दूसरा जो ट्रेड होगा वो होगा TCS में, हायर लेवल के ऊपर लग रहा है मुझे कि एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए 4230-4235, ये लेवल बेस्ट होगा TCS के लिए सेलिंग के लिए 4265, ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 4100 हमें इनिशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करके चलना चाहिए। अगर कुछ बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना चाहिए ट्रेड्स को। ठीक है, TCS को बेचने की सलाह है, अडानी पोर्ट्स में भी बिकवाली की सलाह है, और दोनों के दोनों सेल को आज नितलेश की तरफ से। नितलेश बहुत शुक्रिया आज बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए और ट्रेडिंग के लिए ये बेहतरीन स्टॉक्स बताने के लिए। आपकी नज़र कहां पर होनी चाहिए, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे ये जानेंगे, और हमारे साथ जुड़ गए हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा।
रवि बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। बताइए कहाँ पर नजर होनी चाहिए और कमाई के मौके कहाँ पर बनेंगे आज? गुड मॉर्निंग, डेफिनेटली आज थोड़ा टाइम दिन है पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ डॉलर इंडेक्स देखे और ट्रेजरी एल यूएस के देखे तो वहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। सामने चाइना के जो मैक्रो डेटा है वो इंडस्ट्रियल डेटा पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड है, तो क्रूड एंड मेटल्स के लिए थोड़े सपोर्ट रहेंगे। तो आज से थोड़ा क्यू वाला दिन है तो इस हिसाब से आज ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिन होगा। मेरे हिसाब से दो वहां पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। एक गोल्ड अपने अहम रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और लास्ट पूरे वीक में वो 66 के ऊपर जा नहीं पाया, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा बिकवाली का मौका बन रहा है। 65,800 के करीब गोल्ड के अप्रैल फ्यूचर को सेल करें, टॉप लॉस लगाए 66,100 एंड टारगेट रहेगा 65,100 तक। साथ में आज चाइना के अच्छे डेटा के हिसाब से थोड़े मेटल्स में रिकवरी बन सकते हैं। कॉपर में लास्ट वीक अच्छी रिकवरी दिखी थी, तो जिंक एक अभी भी थोड़ा लेग था क्योंकि चाइना के साथ एंड चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट के साथ अच्छा रिलेशन है। मेरे हिसाब से वहां पे जिंक में आप बाय कर सकते हैं 221 के करीब, 218 के स्टॉप लॉस के साथ और 227 तक के टारगेट 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आने चाहिए। ठीक है, शुक्रिया रवि। तो जिंक की मार्च सीरीज में खरीदारी की सलाह है, टारगेट होगा 227 का, स्टॉप लॉस 218 का जिंक को लेकर, और सोना का अप्रैल फ्यूचर्स बेचने की सलाह है 65,800 पर, टारगेट होगा 65,100 का और स्टॉप लॉस होगा 66,100 रुपये का। ये गोल्ड पर और जिंक पर रवि की रणनीति। आगे बढ़ेंगे और अब ये जान लेते हैं कि ब्रोकरेजेस हाउसेस की आज नज़र कहाँ पर रहेगी, कौन से शेयरों पर, कौन से सेक्टर पर। हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए आज फोकस कहाँ पर होगा, कौन सी बड़ी रिपोर्ट्स हैं आज के लिए? तो ब्रोकरेजेस में सबसे पहले आज बात करते हैं कंज्यूमर सेक्टर की, क्योंकि यूबीएस ने कई कंपनीज पे अपना रिपोर्ट इनिशिएट किया है। और सबसे पहले बात करते हैं पेज इंडस्ट्रीज की, जहाँ पे यूबीएस ने अपना बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 44,000 का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए, इनरवेयर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगा कंपनी के लिए। और आगे जाके अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे प्री पैंडेमिक लेवल पे ये मार्जिन आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें पेज इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे यूनाइटेड ब्रिवरीज पे यूबीएस ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 2,000 रुपीज़ का। देवयानी फूड्स पे भी बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 190 रुपीज़ का दिया है, और सफायर फूड्स पे भी ये बाय रेटिंग पे इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1,800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पर यूनाइटेड ब्रिवरीज में कभी हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्यूएसआर स्पेस की भी अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है और इसमें सफायर फूड्स का वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और उसके अलावा अगर हम टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेजेस की भी बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने इनिशिएट किया है न्यूट्रल रेटिंग के साथ, क्योंकि उनका मानना यह है कि इन दोनों कंपनीज़ में हमें कहीं पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो देखने को मिल सकती है बट वैल्यूएशंस कहीं पे इनलाइन है। आगे बात करते हैं L&T टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे JP मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 5,800 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे सेकंड लार्जेस्ट डील हमें देखने को मिल रहा था कंपनी में, पिछले तीन महीनों में कंपनी ने यह सेकंड लार्जेस्ट डील साइन किया है और इसी के चलते हुए 100 मिलियन का डील जो है ये FY25 के ग्रोथ में 1.5-2% ऐड कर सकता है कंपनी के लिए, और आगे जाके डबल डिजिट ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकता है FY25 में, और इसीलिए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है JP मॉर्गन की तरफ से। आखिर में बात करते हैं कोई PSU कंपनीज की, जैसे कि BEL हो गया, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 263 रुपीज़ का दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे भी ये ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 3,036 रुपीज़ का दिया है, और NTPC पे भी अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 390 रुपीज़ पे बरकरार रखा है। उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें इन सब शेयर्स में एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था पिछले कई दिनों में, और इसी के वजह से ये थोड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है, और आगे जाके रिलेटिव इंडेक्स के मुताबिक अगले 60 दिनों में ये शेयर जो है वो कहीं पे आउट परफॉर्म करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे कि BEL में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है उन कंपनी का, HAL की भी अगर बात करें तो कहीं पे ऑर्डर बुक का प्रॉस्पेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और आगे जाके NTPC की अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छा प्ले कर सकती है इंडिया के एनर्जी सेगमेंट में, और इसी के लिए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया ये तमाम रिपोर्ट्स बताने के लिए। इसमें अच्छी चीज़ ये लग रही है कि सरकारी शेयरों में हमने अंधाधुंध सुपरफास्ट तेज़ी देखी है 2023 में, 2024 में भी वो जारी था।
थोड़ी थोड़ी से ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है हाल फिलहाल के दिनों में, लेकिन HAL को लेकर NTPC, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि IOC, इन तमाम स्टॉक्स पर मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग बरकरार है और लक्ष्य भी ठीक ठाक ही हैं। अगर हम देखें तो HAL के लिए लक्ष्य है 3,636 रुपये का, इसके अलावा अगर NTPC की बात करें 390 रुपये के टारगेट हैं और रेटिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस करेक्शन के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक हम वैल्यूएशन में भी हमने काफ़ी उछाल देखा है इनकी, और उसके बावजूद भी अभी भी भरोसा इन पर बरकरार है। और UBS की रिपोर्ट्स है कंजम्पशन वाले जो तमाम शेयर हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज पर, उस पर खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज शुरुआत की है। देवयानी, सफायर, टाटा कंज्यूमर, इन तमाम वरुण बेवरेजेस, इन तमाम स्टॉक्स पर, टाटा कंज्यूमर और वरुण बेवरेज पर इनकी न्यूट्रल की राय जरूर है, लेकिन यूनाइटेड ब्रिवरेज, UBL, देवयानी, सफायर पर खरीदारी की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है UBS ने, तो ये तमाम रिपोर्ट्स आज फोकस में रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है।